हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो आज के वीडियो के लिए मेरे पास कुछ काम है जो बहुत ही हटके है। मेरे को ये पूरा विलेज पूरा खाली करना है, तो वो मैं खाली करना शुरू कर देता हूँ। और ये मैंने इसका थोड़ा सा मोंटाज बनाया है ताकि आप देख सको कि मैंने कैसे खाली किया है। तो ये खाली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए। विलेजर्स तो मेरे दूसरे घर में, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे भी कुछ। तो वैसे मैंने इसको खाली कर दिया है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा, आधे एक घंटे की वीडियो थी, मैंने वो अभी शॉर्ट में किया। और मेरे को बहुत सारे आयरन चाहिए इस एपिसोड में, क्योंकि आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं बना रहा हूँ एक बीकन पूरा कंप्लीट करने वाला, क्योंकि पहले से कंप्लीट करना ज़्यादा अच्छा होता है। बाद में मतलब जो भी काम की चीज़ है वो काम आएगी। तो इस एपिसोड में मैं बीकन पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार मैं घर पर चल लूँ और अपने सारे आयरन ले लूँ। तो गाइस, मैंने अपने सारे आयरन ले लिए और मैं अभी जा रहा हूँ विलेजर्स के पास, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे विलेजर्स लाइब्रेरियन को रखा है और उनके पास मैंने क्या क्या मस्त एन्चेंटमेंट रखवाई है। देखो, इसके पास है पंच टू, इसके पास क्या है देखो, ये इन्फिनिटी सिल्क टच, और बहुत ही कम दाम में है, मैंने एक बार ट्रेड कर ली थी इसलिए। मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3, और इसके पास है प्रोटेक्शन 4। तो ये विलेजर्स से मेरे को ये ट्रेड कैसे मिली, तो उसके लिए मेरे को लैपटन बार बार तोड़ के नई नई ट्रेड चेक करनी पड़ती है जब तक कोई अच्छी ट्रेड ना मिल जाए। और बड़ी मुश्किल से ये ट्रेड मिल गई मुझे। और आज का काम मैंने पूरा विलेजेस तो खाली कर दिया है, क्योंकि मैंने वो छोटा सा क्लिप बता दी थी, वरना तो बहुत बड़ा वीडियो बनता। और मैं अभी जो पुराने जो मेरे पास आयरन पड़े वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कुछ काम के लिए, मतलब बीकन के लिए। तो ये मैं लगा देता हूँ फटाफट। और बीकन मैं अभी से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाद में भी बनाना है, अभी भी बनाना ही है। तो सोच रहा हूँ अभी से बना के शुरू कर लूँ काम, क्योंकि ज़्यादा कोई बाद में आयरन ज़्यादा काम आएंगे नहीं, काम तो ऐसे ज़्यादा कुछ आएंगे नहीं, लेकिन क्या पता आ जाए। वैसे भी बना ही देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फटाफट मैं बना ही देता हूँ। और मेरे को बहुत सारे एन्चेंटमेंट चाहिए, नेदरराइट भी ढूँढने जाना है, नेदरराइट और क्या क्या चाहिए था मेरे को, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और नेदर में एक्सप्लोरिंग करूँगा जब तक, तो मेरे को आयरन की बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मतलब बहुत सारे पिकैक्स चाहिए होंगी, तो उसी के लिए भी आ जाएगा काम। और अभी वैसे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास डायमंड भी कम है, नहीं शायद से पूरा आर्मर बन चुका है मेरा, बन चुका है, लेकिन सारे टूल्स के लिए है मेरे पास। हाँ, तो मेरे को आयरन की भी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं वैसे भी। तो चलो बना ही देते बीकन। और बीकन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए हमें वेदर का वो स्टार, तो उसे भी मारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं एंडर ड्रैगन को मार ही दूंगा। तो चलो, तो मैंने ये बाकी बचे आयरन तो लगा दिए, लेकिन अभी दो गोल्ड भी लगाने हैं। और इसके मैं एक बार ब्लॉक्स बना दूँ एमरल्ड के, एक ब्लॉक बना इसे रख देता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने टूल्स में जो बाकी बची हुई एन्चेंटमेंट रखूँ, जैसे एक सेकेंड ये गोल्ड भी लगा ही देता हूँ। गोल्ड तो वैसे कुछ काम का है नहीं, तो गोल्ड तो मेरे इसी काम में आएगा ज़्यादातर, गोल्ड तो वैसे कुछ फालतू तो कुछ काम का नहीं है, जब होगा तब निकाल लेंगे, आयरन बहुत पड़े अपने पास। तो ये भी मैं हटा देता हूँ फटाफट। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारा एन्चेंटमेंट करने वाला हूँ, मतलब अलग अलग एन्चेंटमेंट लगाऊँगा अपने टूल्स पर और उनको भी ठोकूँगा, पजार नहीं आ जाते फालतू बार बार, आने चाहिए। मतलब इतने सारे मैं रोटन फ्लैश इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक और विलेजर रखूँगा, क्योंकि वो विलेजर हमसे रोटन फ्लैश की बदले एमरल देगा, उसके लिए भी एक विलेजर होता है जो ब्रियंग स्टैंड वाला विलेजर चाहिए, तो वो भी बनाई देंगे। और मेरे ये टूल्स वगैरह चले गए, लगभग निकल गए, ख़राब हो गए मतलब, तो वो भी मेरे को नए बनाने पड़ेंगे, वो बाद में बनाऊँगा। लेकिन अभी तो मैं एक घंटे के लिए AFK होऊँगा, AFK मतलब यहाँ पे चढ़ा रहूँगा और एक घंटे बाद देखूँगा, जब तक मेरा बहुत सारे आयरन हो जाएंगे तब जाके मेरा आयरन फार्म बनने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब बीकन तैयार हो जाएगा। तो एक बार मैं प्रोटेक्शन लगा लूँ, क्योंकि पता नहीं वो फैंटम वगैरह आ जाते तो फिर मैं मर जाऊँगा, और ऊपर से भी कर लेता हूँ, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते एक घंटे बाद। और ये देखो, हमारे सामने एक स्पॉन हुआ है गाइस, लगभग एक घंटा हो चुका है, और देखते हैं अभी कितना आयरन हुआ। एक बार ये सब चीज़ें हटा दूँ फटाफट,
और लगभग हो चुका होगा शायद। और मेरे को माइनिंग करने भी जाना है, तो माइनिंग करने भी जाऊंगा और ये लास्ट बार माइनिंग करने जाऊंगा, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये वाले मैं सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करूंगा और उस पार्ट को मैं स्किप करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं अभी तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरे को पता है क्या होने वाला है आगे, लेकिन आपको बता ही दूँ क्योंकि वरना तो एक घंटे से भी ज़्यादा बड़ा एपिसोड बन जाता और इतना मेरे पास नेट नहीं है कि मैं इतना सारा अपलोड कर लूँ। तो चलो अभी देख के आते अपने पास ये कितने आयरन आया। सारे सो गए एक बार, एक सेकंड अभी भी कोई जल रहा है शायद से और जल रहा है, तो वही से मन नहीं देते मर जाते कटा तो मिल जा, कोई ज़रूरत नहीं पूरी मर जाए कटा सकते। चलो ओ बाप रे बढ़िया, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बनेंगे मेरे, क्योंकि मैंने अपना आयरन फार्म अपने मन से बनाया है, बस थोड़ी बहुत वो आइडिया लिया है, लेकिन बाकी मेरे को लगा नहीं था इतने ज़्यादा आयरन भी बनेंगे। तो इसके मैं ब्लॉक्स बना लूँ, एक सेकंड मेरे पास वो है ना कहाँ पे गया मेरा क्राफ्टिंग टेबल, वो ये रहा, इधर ही बना देता हूँ फटाफट क्राफ्टिंग टेबल सीन के ब्लॉक्स बना लेता हूँ। और ये रहे 64 और भी है इसके अंदर, तो इसके भी और बनाएंगे, और आयरन ये भी आने वाला है, अभी ये भी जल रहे थी, ये तीन ब्लॉक हो गए और ये भी जल रहा होगा, मज़ा फटाफट मिलेगा। तो बाकी एक और देख रहे हो गाइस कितना बढ़िया काम करा मेरा आयरन फार्म, अगर आपने मेरी आयरन फार्म वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख ले। और आप भी बना सकते हो, मैंने बहुत इजी स्टेप मेथड रखा है, मतलब कोई भी घर बना दो उसके अंदर स्लैब्स लगा दो ताकि कोई अंदर स्पॉन ना, और विलेजर्स के आसपास एक ज़ॉम्बी होना चाहिए ताकि वो उससे डरे और जैसे ही डरते तो आयरन गोलम स्पॉन करते हैं। तो ये है कुछ ऐसा टेक्निक। चलो अभी चलते घर पर, यार ये स्लैब की वजह से चलना भी मुश्किल हो जाता है। चलो और अब मैं सोच रहा अभी तक के लिए तो अंदर ही रख दूँ और मैं अपनी माइनिंग के लिए तैयारी शुरू कर लूँ, फालतू का सामान हटा दूँ मतलब। और एक सेकंड मैं बहुत सारी चेस्ट बना लूँ एक बार, क्योंकि मेरे को वो चाहिए स्टोरेज, इतने से स्टोरेज से मेरा कुछ नहीं होने वाला। और बाकी का मैं कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, चलो एक काम करते ऊपर ही लगाते, तो ऊपर वैसे भी खाली पड़ा है, सोचा था पहले विलेजर्स को रोकूँगा लेकिन बहुत आवाज़ होती है परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे ही लगा लेता हूँ। चलो तो ये चेस्ट भी लगा दी, मेरे को और चेस्ट चाहिए और 10 ले लेता हूँ, काम आएंगी मतलब, काम तो ये भी आने वाली है। ये एमराल्ड रख लो, और क्या ढूंढ रहा था मैं, इन कोई अच्छी एनचेंटमेंट भी नहीं है, हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता था। एक सेकेंड कहाँ पे गए मेरे सारे वुड्स, किस में गए, आयरन वाले ब्लॉक में सोच रहा हूँ दूसरे ब्लॉक्स में रख दूँ, इस वाले में जो इम्पोर्टेंट चेस्ट है मतलब। और मेरे को क्या चाहिए था, और आयरन पड़े क्या, नहीं, ये रहा जो भी बचे हुए आयरन सारे मतलब सारे ले लेता हूँ। और मेरे को और ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए क्योंकि मेरे को और ज़्यादा चेस्ट चाहिए, 21 तो नहीं चाहिए मेरे को, 10 चाहिए बस। और इन्हें भी लगा के आ जाता हूँ फटाफट, यहाँ पे बाकी है ना, यहाँ पे कर लेता हूँ। परफेक्ट, बराबर एकदम परफेक्ट अमाउंट में आए, सेटिस्फेक्शन उसका अलग होता है। चलो और अब मेरे को जाना है माइनिंग के लिए, उससे पहले मेरे को कुछ और काम तैयार कर लूँ, जैसे मेरे को मेंडिंग लगा लूँ अपनी पिकैक्स वगैरह में सब में, और एक स्वॉर्ड में, ताकि जिसपे भी मारूँ कोई भी और लूँ तो मेरे को वो मिले, मतलब क्या कहते हैं उससे एक्सपीरियंस मिले और मेरी वो भी रिपेयर होती जाए। तो मेंडिंग वाला कौन है, तो मेरे पास नहीं है, एक सेकंड ब्लॉक के अंदर है, चल दे भाई मेरे को लगता है एक और चाहिए, 14 एम्बल्ड है, एक सेकंड इसे भी ले चला जाता हूँ। दो मेंडिंग की बुक मिली है, तो ये मेंडिंग मैं लगा देता हूँ अपने पिकैक्स पे, और
मेरे को बुक और बनानी है ना, बुक खत्म होगी तो। और ये रहा लेदर हमारे सस्ते काउ फार्म में। चलो और मेरे को अभी दो बुक और बना लेता हूँ, दो या तीन चलेगा कितनी भी हो। और ये पेपर्स वापस रख दूँ, लेदर भी रख दूँ, और मेंडिंग की एक और बुक लेके आ जाता हूँ ताकि मेरे दोनों पिकैक्स और स्वॉर्ड पे हो जाए। और मैं ये फालतू की मेरी पुरानी ख़राब वाली चेस्ट प्लेट वगैरह रख दूँ इधर, परंतु काय से आया। और ये चेस्ट प्लेट वगैरह मैं रख दूँ क्योंकि कोई काम की नहीं है, ख़त्म होने आई है, बाद में किसी न किसी से कंबाइन करके नई बना लूँगा। वैसे नई तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन कहीं नहीं चलेगा। और कहा गया मेरा मेंडिंग वाला, ये रहा। चलो मेंडिंग की एक और बुक आ गई, सारे एमरल्ड खत्म, एक ही बचा, तो चलो इसे छोड़ देते और लगाते अपनी सारे टूल्स पे मेंडिंग। मेंडिंग में दोनों पिकैक्स और अपने स्वॉर्ड पे लगाऊंगा क्योंकि वो दाना तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे भी मारूंगा उससे एक्सपी आएगी, जो भी और वगैरह तोड़ूंगा उससे एक्सपी आएगी, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रही हमारी पिकैक्स, इसका नाम कुछ मैं चेंज कर लेता हूँ। इस वाली का नाम रखूँगा मैं फॉर्चूनर, गाड़ी वाला नहीं, मतलब फॉर्चून जिसमें ज़्यादा वो मिलता है। एक और तोड़ेंगे बहुत सारे और मिलेंगे मतलब। और इसका नाम रखूँगा सिल्की। एक सेकेंड, मैंने वेंडिंग की बुक तो लगाई नहीं, मैं सिर्फ नाम चेंज कर करके आ गया। और इसको रखूँगा, इसका नाम स्वॉर्ड ऑफ निक। चलो ये होगी हमारी, नाम पता नहीं मैं क्यों रख रहा हूँ फालतू में, फालतू में अपने लेवल वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन चलेगा। और सिल्क टच में मेरे को शायद से मेंडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो जाने दो, एक बचा के रखते हैं, बाद में लगा लेंगे कभी। और अब हमारा काम है जाना वहाँ पे, कहाँ पे, क्या कहते हैं उसे, माइनिंग के लिए। माइनिंग एक बार मैं अपने सारे टूल्स बना लूँ, जैसे एक्स हो गई, शवल हो गई, जिसे मेरे को आगे जाके बनाना है यूँ भी पड़ेगा, पहले से बना के रख दो। और मेरे को क्या चाहिए, हो ही नहीं चाहिए, कोई इतना अमीर भी नहीं हो कि हो ही बना दो। चलो और ये सारा हो गया, अब देखते कोई अच्छी एन्चेंटमेंट। फॉर्चून 3, लकड़ियाँ काटने में कौन सी फॉर्चून, चलो जाने दो, फॉर्चून की मेरे को ज़रूरत नहीं, सिल्क टच की ज़रूरत है। और ये रहा हमारा पूरा आयरन का, वो आयरन के डायमंड का आर्मर। चलो ये मरो मरो। और एक बार देख के आते हमारे आयरन फार्म में क्या हाल चाल। और भाई लोग कैसे हो, धीरे धीरे काम कर रहे हैं अभी, एफ के होना ज़रूरी है लगता है। चलो घर पे चलो, तो अभी मैं सोच रहा चल ही लूँ माइनिंग के लिए, बस अभी कुछ काम भी नहीं है, माइनिंग करके आ जाता हूँ। और अब चलता हूँ अपनी माइनिंग के लिए, तो चलते अपनी माइनिंग के लिए आखिरकार। लेकिन एक सेकेंड सारी चीज़ें फिर से चेक कर लो, पानी शील्ड नहीं लगा लो। चलो अब पक्का कंफर्म जा रहे हो, पक्का। अरे तू जा रही। 2000 years later. गाइस माइनिंग हो चुकी है और ये सिल्क टच बहुत काम की है, कसम से बहुत ही ज़्यादा काम की है मेरे को। मतलब बार बार मेरे को वो स्टोन फर्नेस में डाल के वो फिर बाद में वो स्मूथ स्टोन्स बनाने पड़ते हैं, तो उसकी जगह अभी मेरे को डायरेक्ट स्टोन्स मिला है। मेरे को कितने सारे डायमंड्स मिले देख लेना, डायमंड्स तो मैं एक बार लास्ट में करूँगा। और ये वाली खाली चेस्ट में मैं सारे स्टोन्स रख दूँ, ये सिल्क टच ने बहुत फ़ायदा दिया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें स्मेल्टिंग के लिए रख दूँ, जैसे मेरे ये सारे आयरन और गोल्ड वगैरह, तो इनकी भी स्मेल्टिंग हो जाए जब तक। और 23 डायमंड्स है, उसे मैं अभी तोड़ूंगा थोड़ी देर में फॉर्च्यून 3 से, तो मेरे को एक का डबल मिलेगा। और चलते हैं, अब मेरे को क्या चाहिए, बहुत सारा कोल, थोड़ा बहुत कोल भी ले लूं, क्या पता बीच में ही रुक जाए, मतलब बार बार कौन करने आएगा फिर वो चालू, तो कोल भी लगा दूँ मैं अपने अंदर, इसके अंदर कोल मार को डालने, इसमें नहीं,
हाँ अरे इसमें क्यों डाल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड बाहर निकालो, किसमें डालने हैं? तो कोल चले गए इसमें, और ये कर दिया चालू। चालू क्यों नहीं हुआ? ओ सॉरी, इस साइड से होगा। तो ये हो गया चालू, अभी इस साइड से मैंने बंद कर दिया था गलती से, और अभी ये हो गया चालू। ये जब तक होता रहेगा जब तक मैं करता हूँ ये अपने डायमंड का काम शुरू। मैं आ गया ऊपर, और एक बार डायमंड देखो कितने सारे मेरे पास, 23 है। और अभी देखते हैं हमारा फॉर्च्यून कैसा काम करता है, लास्ट में देखते हैं हमारे पास डायमंड कितने है, फॉर्च्यून। और गाइस अभी देखने का टाइम है कि हमारे पास डायमंड 50 डायमंड है, 23 से 50 डायमंड, देख रहे हो। ये होता है फ़ायदा फॉर्च्यून का। और मेरी पिकैक्स भी अपने आप रिपेयर होगी क्योंकि डायमंड है, हो जाती है अपने आप। और मैं जा से है वो एक बार वो जगह बंद खोल लूँ पहले, फालतू दिख रही है ये वाली डर्ट सारी हटा दी। तो गाइस आज का हमारा मेन काम तो हो चुका है, और अभी बस हमें बीकन पूरा रेडी करना है। हमारे पास डायमंड है, डायमंड की भी मैं इसको भी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं अभी बीकन में ही लगा दूंगा, क्योंकि डायमंड से अभी वो कुछ बनाना नहीं है, सारे टूल्स वगैरह बन चुके हैं। और एक बार फिर से आयरन फार्म चेक करके आते तो क्या पता कुछ डायमंड मिल जाए, शायद से नहीं मिलेंगे आयरन, क्योंकि मैं माइनिंग करने गया था और मेरे आयरन फार्म से बहुत दूर था, कि माइनिंग करने बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका भी आयरन फार्म आपके घर के पास है और आप माइनिंग करने जाओ तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो होता है बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो फिर वो अचानक लोड नहीं होता। और इन्हें भी मार लेता हूँ। आजकल मेरा ये एक्सपी फार्म बहुत अच्छा काम करने लग गया, पता नहीं कैसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें, और इतने सारे देखो बोन्स वगैरह भी है इतने सारे, और इतने सारे बहुत सारी चीज़ें मिली, अभी क्या बताऊँ। तो अभी मैं अपने सारी चीज़ें ले लेता हूँ, जैसे आयरन, मैं इनके ब्लॉक्स बना ही देता हूँ डायमंड्स के। डायमंड का हो गया, और बहुत सारे आयरन भी ले लेता हूँ सारे, और इनको लगाऊंगा मैं ऊपर। चलो ऊपर चलने से पहले एक बार कुछ देख लेते, इसमें इसमें भी ये वाले भी सारे यूज़ कर ही लेता हूँ, इनका भी कोई ज़रूरत नहीं है, चेक कर लो इसमें कोई नहीं है। चलो चलते इनको बंद कर देता हूँ, फालतू की आवाज़ करते रहते हैं। तो गाइस 6 डायमंड के ब्लॉक है, उनको भी मैं लगा दूंगा, 7 गोल्ड के, 7 आयरन के, और चलो ये सारी चीज़ रखते हैं। और अभी ऊपर चलते ऊपर और बनाते अपना अच्छा वाला बीकन एकदम फुल, जिससे मेरे को हेस्ट 2 मिले, मेरे को बहुत सस्ता हेस्ट बननी चाहिए। चलते ऊपर। तो गाइस हमारा बीकन बनके तैयार हो चुका है, लगभग पूरा हो जाएगा शायद से मेरे हिसाब से। और बीकन तैयार होने के बाद एक सेकेंड बराबर से लगा दूं। एक बार मैं अपने शेडर्स चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लिया, वाह लग रहा है अपना बीकन एकदम तगड़ा, देख रहे हो गाइस क्या बढ़िया लग रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी माइनक्राफ्ट की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल, एंड आप ऐसे सपोर्ट देते रहो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो।